जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे और आज मैं बात करने वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ना हो कि देर इज अ टेरिटोरियल आर्मी इन इंडिया दैट इज बेसिकली नोन एज सिटीजन आर्मी, और जहाँ पे आप अगर एक 18 से 42 साल के युवा हैं, 18 से 42 साल के एज ब्रैकेट में फॉल करने वाले पर्सन हैं, बीइंग मेल बीइंग फीमेल, तो आप भारतीय प्रादेशिक सेना का हिस्सा बन सकते हैं। टीए एक वॉलंटियर फोर्स है जो रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करते हैं और एक बहुत वाइटल कंपोनेंट है इंडियन आर्म फोर्सेस का। हम यहां पे आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दो तीन चीजों के बारे में कि किस किस तरीके के लोग यहां पे पार्ट ले सकते हैं। दो तीन तरीके की वैकेंसीज टीए में आती हैं साल में, कभी कभी कोई वैकेंसी नहीं भी आती है, पर अगर आप डिफेंस एग्जाम मास्टर से जुड़े हुए हैं, इस चैनल पे मेरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो आपको सारी अपडेट डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड जरूर मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट में बताना और आपको क्या सपोर्ट चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा ताकि आप 1-to-1 कॉल पर भी मेरे से बात कर सको। पहली चीज़ जो आती है रेगुलर टीए ऑफिसर्स की भर्ती, जो कि एग्ज़ाम कराया जाता है टीए डायरेक्टरेट के द्वारा जो कि दिल्ली में है, वो साल में एक बार होता है। उसमें जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। उसके अलावा टीए में, जैसा कि हमने 2024 में देखा और 2023 में देखा, साइबर वॉरफेयर वाली वैकेंसीज आई कि टीए साइबर वाली वैकेंसीज आई। उसके अलावा उससे पहले मैंडरिन लैंग्वेज, जो कि चाइनीज लैंग्वेज है, उसकी वैकेंसीज आई। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी हैं टीए में, दे आर सर्विंग ऑफिसर्स एंड सम जॉइंड वाया रेगुलर एंट्री, सम जॉइंड वाया साइबर वॉरफेयर एंट्री एंड सम जॉइंड वाया मैंडरिन एंट्री ऑल्सो। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर रहने के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। कब वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब अपडेट आएगी, कब रिजल्ट आएगा, मैं पल पल की खबर आपको यहाँ पे देता हूँ। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ, चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि पेपर में आते हैं, जो रेगुलर एग्जाम होता है, और जो साइबर वाला होता है उसमें साइबर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। उसका नोटिफिकेशन भी मैंने चैनल पर डाला था, मैं आपको इसकी आई बटन में वो लगा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं पूरा वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट, टीए ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ कर्नल संदीप भटनागर सर आए हैं। कर्नल संदीप भटनागर सर टीए के एक पेंशन पे आए हुए ऑफिसर हैं। सर ने बहुत ज़्यादा समय तक टीए में सर्व किया है, ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा। तो सर ने हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड में बताया है, वो वीडियो आपको, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप आई बटन भी चेक कर सकते हैं। तो जब आपके एनडीए के अटेम्प्ट मिस हो गए हैं, सीडीएस के अटेम्प्ट मिस हो गए हैं, एफकेट मिस हो गया है, डायरेक्ट एंट्रीज आपकी मिस हो गई है, फिर भी आपके अंदर वो यूनिफॉर्म को पहनने का जज्बा है, तो आप एक रास्ता चुन सकते हो। ऐसा नहीं कि रास्ता फिर भी खत्म हो गया, फिर एक रास्ता आप चुन सकते हो, वो है टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करने का। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हो और अपना जो प्राइमरी प्रोफेशन है वो भी फॉलो कर सकते हो। टीए में जाने के लिए आपके पास जो सबसे अच्छा रास्ता है वो आपके पास, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट आपको एनओसी लेनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन से कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है टीए ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप किसी पीएसयू का पार्ट हो तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, बेल सेल गेल, है ना, आईओसीएल और ये सब जो होती हैं, दीज आर ऑल आपका पीएसयूज। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लिख के भी बताऊंगा कि क्या क्या मोटा मोटा क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे टीए, ये बेसिकली टीए का लोगो है, सावधानी एवं सूरता टीए का ध्येय वाक्य होता है दोस्तों। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीए के बारे में, तो टीए के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देता हूँ कि एज क्राइटेरिया जो होता है, जो आपका एज क्राइटेरिया है दोस्तों, वो है आपका 18-42 ईयर्स, 18-42 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड बी गेनफुली एम्प्लॉयड, कुछ क्राइटेरिया है इसके अंदर आपको फिट होना पड़ेगा। यू शुड बी गेनफुली एम्प्लॉयड, ठीक है। अब गेनफुली एम्प्लॉयड में भी दो तीन कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी आ गई प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अगर मिल जाएगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई। इफ यू गॉट द एनओसी फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, आई हैव अ कोचिंग, आई हैव अ इवेंट कंपनी ऑल्सो अप एंड रनिंग, सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी पे टैक्सेस ऑल्सो। सो
प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हो, या थोड़ा सा मुश्किल है जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जनरली ऑल प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन साथ प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको एनओसी देंगे नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा। ये तो कुछ कंपनियां हैं जो सपोर्ट करती हैं, जैसे टाटा वाली जो है, टीसीएस वगैरह में मेरे फ्रेंड्स हैं जो कुछ सीनियर्स भी हैं जो टीसीएस में होके भी टीए का हिस्सा है, तो वो दे देते हैं। दूसरा आपका हो गया पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, जैसे आईओसीएल हो गया, बीएचईएल हो गया, सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, इन लोगों के लिए भी टीए में जाना आसान है, इनकी वैकेंसीज निकलती हैं। नॉन डिपार्टमेंटल टीए एंड डिपार्टमेंटल टीए, दो तरीके की टीए रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ईएल पीएसयूज के जो ऑफिसर्स हैं उनको आसानी से मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वी हैव सीन इन द पास्ट देयर मेनी ऑफिसर्स फ्रॉम पीएसयूज। थर्ड थिंग इज द पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे समझाऊंगा थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में। सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की भी कैटेगरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मैं ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। टीए एक नौकरी नहीं है, ये मैं बता देता हूँ, टीए नौकरी नहीं है। टीए में आप अपनी सेवाएं देते हो, आप कम से कम 2 महीने तो सर्व करोगे टीए में। आपका एम्बॉडीमेंट और डिसएम्बॉडीमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, आपको मैंने मेरा जो पॉडकास्ट है कर्नल संदीप भटनागर सर के साथ, वहाँ पे हमने पूरा डिटेल में टीए के बारे में बात करी है। आपको आई बटन चेक करनी चाहिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में ना 2-3 दोस्तों कैटेगरी आएंगी, एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आप बोलोगे कि सर मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, आई एम ए ट्यूशन टीचर एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर टीए। तो यहाँ पे आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी की तरह तो मोस्टली नहीं काम कर रहे हो, 8-10 हज़ार 15 हज़ार आप कमा रहे हो, तो आपका जो प्राइमरी टीए समझेगा कि आप जो है नौकरी पाने के लिए, ये नौकरी नहीं है। यहाँ पे आप पैसे के चक्कर में अगर जाना चाहते हो कि पैसा मिलेगा, रैंक मिलेगी, अफसर बन जाएंगे, ये सब नहीं है, फिर देन मत जाओ, तो भाई एलिजिबल नहीं हो। यू बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड सम एंटरप्राइज, यू बिल्ड अ बिजनेस, 4 लोगों को नौकरी पर रखो, काम दो, उनको तनख्वाह बांटो, इनकम टैक्स पे करो, और आपका प्राइमरी बिजनेस अफेक्ट नहीं होना चाहिए जब आप टीए में जाओ। यानी कि यू शुड बी इन अ पोजीशन कि आपके एब्सेंस में भी आपका बिजनेस चलता रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पे मैं डिफरेंस बताऊंगा कि क्या है। यू कैन बी अ एंटरप्रेन्योर, यू हैव अ कंपनी स्टार्टअप, है ना, कोई आपका स्टार्टअप है, ऐसे लोगों को थोड़ा चांस ज्यादा रहता है। आपका कोई स्टार्टअप है जो आप चला रहे हो, उसमें आपको फायदा है, ठीक है। कोई आपका बिजनेस है वेयर यू हैव अ टीम, वेयर टीम कैन हैंडल पेइंग टैक्सेस, देन यू कैन गिव 2 मंथ का कमिटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके के ये 3 कैटेगरी आ गई। तो टीए में गेनफुली एम्प्लॉयड आपका होना चाहिए, और सबसे बड़ा ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एनओसी चाहिए इसमें, और पीएसयूज में भी एनओसी चाहिए, तो पीएसयू में एनओसी देयर इज नो प्रॉब्लम इन पीएसयू में एनओसी लेने में, एनओसी लेने में पीएसयू में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनको ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ जा रखी होती है कि हमारे पास अगर आपके लोग ज्वाइन करना चाहते हैं टीए में, तो आप उनको आराम से एनओसी दे दीजिए प्लीज़। सो इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। आज ये वीडियो मैं टीए डे पे बना रहा हूँ, 2024 में 9 अक्टूबर है, आप सभी को टीए डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसको बाद में, हो सकता है आप इसको बाद में भी देखें, तो मैंने सोचा क्यों ना जब लगे हाथ मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ तो मैं ये वीडियो भी बना दूँ। और टीए के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने टीए का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, आप जो है मेरे से हेल्प भी ले सकते हैं टीए के लिए। अब एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूँ, अभी जो होता है एग्जाम, पहले ऑफलाइन होता था, अभी एग्जाम जो होता है, एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन हो रहा है। 100 सवाल हैं, 25×4, ठीक है। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड आपका मैथ्स, ठीक है। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स, आपको सारे सब्जेक्ट को ही पढ़ना पड़ेगा। जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की है जिसने पास में, उसको पता होगा ये 4 सब्जेक्ट ही मेन होते हैं, और इसका कोई डिफाइंड सिलेबस भी नहीं है, इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। हाँ, पुराना पेपर का एनालिसिस मैं बहुत जल्दी, जो हमने 2023 वाला पेपर था उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं, हम उस पेपर का एनालिसिस करेंगे, और उसके मैं एक्चुअल सोर्सेज के बारे में भी आप लोगों को बात करेंगे। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने दिया, मैंने भी दिया था पेपर,
तो एग्जाम में क्या क्या रहा, कैसे रहा, उसके बारे में बात करेंगे। सो ये ऑनलाइन एग्जाम है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके एग्जाम से रिलेटेड अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एग्जाम के रिलेटेड में, और भी सेपरेट एक टीए की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे, टेरिटोरियल आर्मी की पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसमें आप जाएंगे तो आपको टीए से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज, वीडियोस, कंटेंट सब मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके रखना प्लीज, ठीक है। ये कंपटीशन लेवल का जो है कंटेंट यहाँ पे आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ भाई, मैं CDS और FCAT और NDA के GAT वाले बच्चे पढ़ाता हूँ। आप अगर पढ़ाई से, क्योंकि जो जनता यहाँ पे TA में अप्लाई करेगी वो मेनली वो है जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसेस वाले लोग हैं, पढ़ाई से टच छूट चुका है, तो उनका पढ़ाई से टच छूट चुका है तो आप मेरी मदद ले सकते हो। मैं एक टीचर हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मेरा ऐप भी है, वेबसाइट भी है, और आप बैच के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो आप मेरे बैच में आ सकते हो भाई, ठीक है। क्योंकि मैं मेनली अभी यही काम में लगा हुआ हूँ, आप लोगों को हेल्प करने के और बच्चों को हेल्प करने के जो डिफेंस एस्पिरेंट है। तो ये मेरा नंबर आप ले लो, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप तैयार रहो, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि TA का थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला गेम है, कब आएगा, एकदम से आ जाएगा तो आप तैयारी तो कर नहीं पाओगे। तो आप हमेशा तैयारी वाले मोड में रहो, आप एक बार क्लास करके खत्म कर लो, आप पूरा सिलेबस एक बार हाथ में ले लो, रिसोर्सेज अपने पास रख लो, जब एग्जाम होगा तब होगा। मेरे पास ऐप भी है, वेबसाइट भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। एक बार तैयारी करके रख लें, इन सारे सब्जेक्ट्स पे आप कमांड जरूर ले लें दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूं, मैं मंथली मैगजीन्स बनाता हूं, करंट अफेयर की मैगजीन जो होती है मंथली वो मैं देता हूं। एक रिसोर्स का एक ड्राइव लिंक दे दूंगा, प्लीज़ वहां से उन मैगजीन्स को डाउनलोड करके पढ़ना आप चालू करो। पर्सनल नंबर दिया है, आप बात करके भी हेल्प ले सकते हो, बैच में आना है तो भी इनरोल कर सकते हो। TA का बैच कोई सेपरेट बैच नहीं बनाता मैं, CDS वाले बैच के साथ ही TA के लोगों को पढ़ाऊंगा और रिसोर्सेज सारे मिल जाएंगे, तो आपका वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक है। तो आप यहां से हेल्प ले सकते हैं इन केस यू नीड, ठीक है भाई। ये आपके चार सब्जेक्ट हैं, ऑनलाइन पेपर हो रहा है। अब जो पॉडकास्ट है संदीप सर का वो आपको देख लेना है। तीन तरीके की वैकेंसी है, एक है रेगुलर TA, एक आपकी है रेगुलर वैकेंसी, एक आपकी है साइबर वाली, साइबर TA, जिसके बारे में मैंने नोटिफिकेशन आया था तो मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया था, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। एक है आपकी मैंडरिन वाली वैकेंसी जो हमने रिसेंटली देखी थी एक दो साल पहले, मैंडरिन यानी चाइनीज वाली जो आई थी ना, चाइनीज लैंग्वेज वाली, उसमें उस टाइम पे चार लोग के आसपास सेलेक्ट हुए थे। और एक और आती है, वो आती है एक्स ऑफिसर्स की, जो एक्स ऑफिसर्स होते हैं, जो शॉर्ट सर्विस वाले एक्स ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों की भी वैकेंसी जाती है, अभी थोड़े दिन पहले आई भी थी और बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं मेरे से टच में हैं। तो एक मोटा मोटा मैंने आपको TA के बारे में बता दिया कि इस तरीके से चीज़ें चलती हैं कुछ कुछ। अब इस प्लेटफॉर्म पे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको सारा का सारा दोस्तों कंटेंट, डेटा, सपोर्ट दे सकूं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हो सकता है आपको मेरा मैसेज अगर आप करो तो रिप्लाई आने में थोड़ा सा समय लग जाए, उसके लिए मैं आज से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, पर आपको रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा क्योंकि क्वेरीज बहुत हैं। करने वाला बंदा एक हूँ, मेरी टीम रिमोटली काम करती है सारी, पर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एस्पिरेंट है तो डायरेक्टली मेरे से बात करे, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मेरे को पता है सारी चीज़ें, तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। TA के पेपर के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मेरे एक मित्र हैं आयुष भाई, उन्होंने मेरे को पेपर भी भेजा था, उनको पेपर का मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, उसको डिकोड करूंगा, पूरा बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। देखो पढ़ाई करे बिना तो नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, सब लोग देते हैं एग्जाम तो पढ़ के ही देते हैं। 90% जनता तो ऐसी है जो बिल्कुल पढ़ के नहीं देती, 10% में कंपटीशन मानता हूँ मैं। तो आप उस 10% में आना चाहते हो और वो 10% लोग लगभग 12-20 सीटों के बीच में कंपीट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ मामला है। पर अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, ऑफ दिस, और आराम से आप तैयारी करें। नंबर आपको मैंने वहाँ पे दे दिया, दिस इज़ माय नंबर, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ अगर आपका यूनिफॉर्म में जाने का वो पैसन, अगर आपका वो यूनिफॉर्म में जाने का वो पैसन और वो जज्बा अभी भी है तो आप जो है ज्वाइन करें टेरिटोरियल आर्मी और अपना वो सपना ज़रूर पूरा करें, ठीक है। अभी भी मौका है, अगर आप 42 साल से नीचे हैं तो आपको TA ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। SSB होगा, रिटन एग्जाम होगा, क्वालिफाई करोगे SSB होगा, तो ये प्रोसेस जो है पूरा वही है सेम जो जनरल एंट्रीज का होता है। आपको किसी भी स्टेप पे मेरी मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर एज अ ब्रदर, आप मेरे पास आ सकते हैं, मदद ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
और इस चैनल पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे, प्लस मेरा पॉडकास्ट भी आता है इसी चैनल पे मिलेगा आपको, आप वो भी देखा करें। वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स को मैं इनवाइट करता हूँ, 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन उससे उस पर करते हैं। तो ये वीडियो मैंने बना दी आप लोगों के लिए, तो आपको पता लग गया मोटा मोटा क्या है। हर स्टेप पे अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग सा कंटेंट लाता रहूँगा। अपने अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, अपने आप को काबिल बनाते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।